आज हम हैं अंबेडकर भवन और हमारे साथ हैं सावित्री बाई फूले जी, जिनका बहुत नाम भी आपने सुना होगा और हमेशा से समाज के लिए लड़ती आई हैं। तो आज यह भीम संसद के लिए स्थापना पत्र का जो आपने आयोजन किया है, ये क्या कुछ है, पहले हमारे दर्शकों को यही बताइए। आज मैं भीम संसद का कार्यक्रम में दिल्ली के अंबेडकर भवन में मैं आई हूँ। आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारत के कोने कोने से बहुजन साथी यहाँ उपस्थित हैं और हम सब लोग मिलकर भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान में दी गई कानून को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं। और 26 नवंबर 2022 को दिल्ली के जंतर मंतर पे संविधान दिवस को मनाने के लिए बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। मैं अपील करूंगी पूरे भारतवासियों को कि संविधान दिवस एक पर्व के रूप में, खुशी के रूप में हम सबको मनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के संविधान में जो हमको कानून और अधिकार दिए हैं, अगर अधिकार न मिले होते तो हमको दिल्ली तक पहुंचने का अवसर नहीं मिला होता। चाहे वो सांसद मैं बनी, 3 बार में जिला पंचायत सदस्य रही, विधायक रही, सांसद रही, और जो भी भारत में हमारे दलित पिछड़ा आदिवासी भाई एसटी भाई जो आज सभी पदों पर पहुंच करके आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत उनको अधिकार मिला है। तो आज हमारा भारत का संविधान, लोकतंत्र खतरे में है, जिसको लेकर के मैं 2016 से निरंतर मैं लोकसभा से लेकर सड़क तक मैं आंदोलन कर रही हूँ, आवाज़ को उठा रही हूँ। आज भारत का पूरा विपक्ष लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, बहुजन मूल निवासी समाज एकजुट हो रहे हैं। आज सभी को चिंता है संविधान दिवस को बचाने के लिए, 26 नवंबर जंतर मंतर पे बड़ी संख्या में पहुंच करके उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जो कार्यक्रम हो रहा है वो किसी राजनीतिक दल के झंडे के नीचे नहीं होगा, वो सामाजिक संगठन के माध्यम से ही वो संविधान दिवस हम लोग सब मना रहे हैं। और अपने बहुजन मीडिया साथियों से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी। मैम, अभी आपने कहा कि इस संविधान दिवस को हम मनाएंगे और किसी राजनीतिक एजेंडे को नहीं रखेंगे, अगर राजनीति में बहुजन समाज नहीं आएगा तो कैसे आप भीम संसद बना सकते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में हमको वोट का अधिकार दिया है। हम संविधान को बचा सकते हैं तो वोट की बदौलत बचा सकते हैं, लेकिन 26 नवंबर संविधान दिवस है। संविधान दिवस पर हम सभी बहुजन साथी वहां उपस्थित होंगे और एक राजनीतिक झंडे के नीचे करेंगे, तो और अन्य राजनीतिक दल के लोगों को आपत्ति हो सकती है, इसलिए वो राष्ट्रीय झंडे के नीचे होगा। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो झंडा है, बाबा साहब का झंडा होगा, राष्ट्रीय झंडा होगा और संविधान होगा, जिनके नेतृत्व में हम लोग संविधान दिवस मनाएंगे और बड़ी संख्या में हम बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होने के लिए अपील आपके चैनल के माध्यम से कर रही हूँ। मैम, सिर्फ संविधान दिवस ही बनकर रह जाएगा या वाकई में भीम संसद बनेगी भी? क्योंकि जितना भी ये बहुजन वर्ग है, जितना भी दलित वर्ग है, सब अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, सब अलग अलग तरीके से अपना संगठन के तरीके से काम कर रहे हैं। अभी और भी 2-3 प्रोग्राम होंगे, इससे पहले भी दिसंबर में भी होगा, तो अलग अलग तरीके से क्यों कर रहे हैं? एक जैसे RSS एक संघ है, उसका नाम है, पूरे संगठित है, तो आप लोग क्यों संगठित नहीं है, इतने गुटों में क्यों बटे हुए हैं? निश्चित रूप से भारत के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज पूरा भारत का बहुजन चिंतित है, दुखी है, और ग्रामीण अंचल हो, चाहे वो शहरी अंचल हो, चाहे वो राजधानी हो, सभी क्षेत्र के लोग आज चिंतित हैं कि जितने बहुजन सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन के लोग एकजुट हों। निश्चित रूप से उस पर चर्चा भी हो रही है, बातचीत हो रही है, समय आने पर हम सब लोग एक मंच पर होंगे और संविधान को बचाने के लिए अपना अपना ईगो खत्म करें। मैं क्यों ना हूँ, मैं सभी बहुजन साथियों से, चाहे वो सामाजिक संगठन के लोग हों या राजनीतिक संगठन के लोग हों, सभी लोग अपने ईगो खत्म करें, भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए एक मंच पर आएं। जो लोग एकजुट नहीं होंगे उनको ये माना जाएगा कि वो कहीं न कहीं संविधान के विरोधी हैं। अगर संविधान को मानने वाले लोग हैं तो जितने बहुजन साथी लोग हैं, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग चला रहे हैं, सब लोग को एक मंच पर आ करके और संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए लाखों की संख्या में इकट्ठा हो और निश्चित रूप से 2024 में संविधान विरोधियों को चुप कराने का कार्य हम सब करेंगे और संविधान को बचाने के लिए पूरा भारत के बहुजन एक होगा। जो संविधान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा।
करेगा, जो संविधान की बात करेगा बहुजन उसी के साथ रहेगा। देखिए, मैं 2014 में जब सांसद बनकर के लोकसभा में पहुंची और मैंने देखा कि संविधान में बहुत सारे जो संविधान में कानून थे बहुत बारीकी से खत्म किए जा रहे हैं, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, तमाम आर्टिकल जो कानून है उसे बारीकी से समाप्त किए जा रहे हैं, नौकरियां खत्म की जा रही हैं, सारा विभाग को प्राइवेट किया जा रहा है, जिसको लेकर हमारा बहुजन समाज के लोग चिंतित हैं। निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए 26 नवंबर को बहुत सारी हमारे चर्चा होंगी, जो संविधान में कानून खत्म किए गए हैं, हमारे प्रबुद्ध लोग वहाँ उपस्थित होंगे। सम्मान के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान को सल्यूट किया जाएगा, वहाँ समता सैनिक दल के लोग भी होंगे और संविधान को सल्यूट करते हुए संविधान में जो कानून है उसे बचाने के लिए इस पर चर्चा होगी और हम लोग राष्ट्रपति से मांग करने के लिए ज्ञापन भी सौंपेंगे।